कराची में ये मेरा आखिरी दिन है एंड आई विल डेफिनेटली मिस कराची यार। ये है सच्ची है। आई डाइड फॉर माय फैंस। अल्लाह मदद। हां मेरे से आते वापस नहीं। गाड़ी अनलॉक कर। अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक है, ये सब मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो बॉयज, आज आपके भाई का जो है ना कराची में लास्ट डे है। 7 तारीख को हमने रिक्वेस्ट की थी कि आज आपने फ्री रहना है, आज अपने काम से भी एक छुट्टी ले, क्योंकि काफ़ी बेचारा इतने दिनों से मेहनत कर रहा है। मैंने कहा छुट्टी ने, लेट्स गो, कहीं इन्जॉय करते हैं, कहीं निकलते हैं, सीन पार्ट करते हैं। कोई बीच नहीं देखा अभी तक, प्रॉपर बीच नहीं देखा। समंदर तो देख चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा देख चुका हूँ, लेकिन करीब से कहीं नहीं देखा और फुल एंजॉय नहीं किया उस चीज़ को। तो आज वो चीज़ एंजॉय करेंगे, चलते हैं बिना किसी देर के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल का ऐसा ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भाई को फॉलो भी कर सकते हैं। बॉयज, हम लोग इस वक्त आए हैं मज़ार-ए-कायद। मज़ार-ए-कायद क्या करने हैं? रिक्रिएट करने हैं अपनी पुरानी बचपन की तस्वीर। मज़ार-ए-कायद तो बंद है, लेकिन तस्वीर जो है वो बाहर से हमने ली थी। तो अभी एक वो जगह एग्जैक्ट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे वो तस्वीर खींची हो, याद मुझे तो नहीं है। अभी देखते हैं, क्योंकि मज़ार-ए-कायद काफ़ी बड़ा है, इसके इर्द गिर्द एक चक्कर मार के देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमने तस्वीर कहाँ पर खींची थी। गेट पर नहीं खींची हो सकती, क्योंकि मैं ना एक किसी उस पर खड़ा हूँ, जैसे ये इस तरह दीवार नहीं होती, उसको जंगले के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो फहसाद साहब जरा आगे आगे जाने, तो इसके ऊपर कहीं इधर ही होगी। ओ भाई, रेहान भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मसला ये है कि यार, ये जो दरख्त छोटे छोटे थे पहले, ये पौधे होते थे, अब वो दरख्त बन गए हैं, तो ये तो व्यू ब्लॉक हो रहा है, क्या करें आप। खैर, किसी तरह लेते हैं तस्वीर। मुझे लगता है मैं इस किसी जंगले पर खड़ा हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि वो दीवार थोड़ी सी ऊँची थी जिसपे मैंने स्टेप किया हुआ था, तो वो थोड़ी सी ऊँची होगी, यहाँ से तस्वीर लेनी पड़ेगी। जानी ये देखे ना, नोक सेट कर रहा है आपका भाई। देखो तरफ वाली दो नोके हैं, एक नोक, दो नोक, तीन नोक, तीन नोक दिखनी चाहिए टोटल, एक दो तीन चार पाँच। ये यानी हमने ना कोई मतलब, चलो चलो थोड़े बड़े हो गए, अब फ्रेम बड़ा करना पड़ेगा मुझे। पर की जो डंडिया है ना, वो ज्यादा हो जाएगी। पहले छोटा होते थे ना, अब तो क्लोजअप में थी पिक्चर, अब फ्रेम बड़ा होगा। बॉस टांग पे टांग रखो, बॉस बॉस बॉस, बचपन में कैसे किया था? न्यूज़ बट आई डोंट नो। हाँ, एक के ऊपर एक टांग। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, ये वाली ग्रिल थी, इतनी लंबी कैसे होगी ग्रिल? अच्छे वाकई ये ग्रिल इतनी बड़ी कैसे? यार बे टाइम करती हो, लेकिन आप भी तो बड़े हो गए ना। आप भी बड़े हो गए, ग्रिल भी बड़ी हो गई। चढ़ जाओ यानी अल्लाह का नाम लो आप। ये जानी जनार्दन। यानी ग्रिल वही थी, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रिल वही थी, लेकिन मालिक मेरा ख्याल काफी है। Enough recreation for today. बहुत creative हो लिया आज के लिए. Let's go. यानी shopping ना हो जाए. चलो 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 चलो. मेरा ख्याल है शायद हम उस exact spot पे नहीं जा पाए. यार जानी जहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही, आप बड़े हो गए, जंगला नहीं बड़ा होगा। कि हम जा रहे हैं सी व्यू पे इंजॉय करते हैं, चलते हैं बीच पे, चलते हैं इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, खुद भी करते हैं। रिक्रिएट जो हमने करनी थी कर ली है, बस हो गई है। ईमानदारी से बताए, जिससे आपका रोड है क्या 60 के हिसाब से आपको कुछ पता लग रहा है? आप पता लगेगा।
भाई साहब इसको क्या कहते हैं भाई, चाइना पोर्ट। चाइना पोर्ट पे हम लोग आ चुके हैं। चाइना पोर्ट पे व्यू इतना खूबसूरत है मंजर, क्या बताएं आपको। आपको ना बताते हैं, हमारे साथ मौलाना तारिक जमील भी हैं। मौलाना तारिक जमील साहब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मौलाना साहब आप माशाल्लाह पहली दफा आए हैं कराची, इससे पहले भी आए हैं? हम तो पैदा ही इधर आए हैं। खैर यार ये बॉय जो है ना बड़ी सी मिमिक्री करता है। मेरा गया ड्रोन, ये मेरा गया ड्रोन। इस बेचारे की किस्मत ही बड़ी खराब है गाइस, अगर किसी ने खरीदना तो खरीद ले मुझसे। वो देखें वो फिशिंग नेट निकाल लें। ये देखें फिशिंग नेट बिछा रहे हैं यहाँ पे। अभी ये फिशिंग नेट बिछाएंगे, हो सकता है निकाल लें, क्योंकि अभी पानी नीचे है ना, ये पानी वहाँ तक ऊपर तक चला जाएगा और ये पूरा ऊपर तक आ जाएगा। देखिए आपको गीले पत्थर दिख रहे हैं ना, यहाँ यहाँ तक पानी आ रहा है। अब क्या होगा, ये फिशिंग नेट बिछा देगा, सुबह जब वापस पानी नीचे जाएगा ये आके फिशिंग नेट उतार लेगा। चप्पल है आपकी, स्लिप हो सकता है ना, चल के देखो स्लिप हो रहा नहीं। अभी जानी है यार, मदद। बेबी स्टेप्स कोई है, स्लिपरी है, ध्यान से आना, स्लिपरी वाकई है। सही कह रहे हैं, वाकई बहुत स्लिपरी है। यार ब्रेथ टेकिंग व्यू, जबरदस्त, खूबसूरत, मजेदार। भाई बच गए, बच गए। समुंदर में वो वहशत तो होती है, फुल स्लिपरी है यहाँ पे। चलो बस हो गया, फुल स्लिपरी है यार, क्या खूबसूरत व्यू है यार गाइस, बहुत प्यारा व्यू है। हाथ मार के दिखा, है हाथ मारने के चक्कर अंदर ना भेज दो वेस्टेड। ये तो नहीं स्लिपरी होंगे, ऊपर चढ़ के देखो। आजो 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 इधर आजो, इधर इजी है। बेबी स्टेप जानी, रॉक बाय रॉक, वरना वो आपके नींद देखिए, रॉक का भाई बेबी हो जाएगा। आपने नींद देखिए, बंदा रॉक का लांग रहा होता है, पानी में गिर जाता है। आई डाइड फॉर माय अल्लाह मदद, बहुत मुश्किल हो रही है। इधर देखें ये फुल करतब कर, ये देखें बिग पठानों वाला पोज मारने आए इधर। यार इधर से फील ही अलग है भाई समंदर की। फुल करतब हो रहे हैं इधर, ये रिस्की हो रहा है। हाँ मेरे ख्याल से वापस नहीं आओगे। ओके लाफिज, मोबाइल मेरा हो गया भाई। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भाई, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अभी टाइम कम है हमारे पास, वरना और एंजॉय करते। सूरज ऑलमोस्ट ग्रूब हो गया, शाम हो गई है, मेरा ख्याल है यहाँ से निकला जाए। आई विल डेफिनेटली मिस दिस प्लेस। कराची में ये मेरा आखिरी दिन है एंड आई विल डेफिनेटली मिस कराची यार, क्योंकि वक्त कम था, एंजॉय पूरे तरीके से तो नहीं कर पाए। एज यू गाइस कैन सी टाइड्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बहुत खूबसूरत, और शहर का व्यू आपको यहाँ से मिल रहा है, तो इट इज़ सो लवली। सारे बॉयज जा चुके हैं, मैंने इनको कहा था मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, आई जस्ट वॉन्ट सम टाइम। ऐसी जगह पे आपको पता है ना, अगर ऐसी जगह पे आपको खामोशी और सुकून मिल जाए ना, तो मैं कहता हूँ आपको असल चस आएगी तब। ऐसी जगह पे खामोशी सुकून होना चाहिए, लवली। यहीं पे हम जो है ना रियान भाई को लाफिस टाटा बाय बाय कहते हैं। थैंक यू रियान भाई फॉर होस्टिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने होस्ट किया है हमें, आपने हमें घुमाया फिराया भाई, बड़ा एंजॉय करवाया इस बंदे ने, मैंने पिछले ब्लॉग में भी ये बात की थी। तो बॉयज यहाँ से निकलते हैं, और अब जो है ना भूख भी लगी है हमें, खाना भी खाना है, और कुछ हमने और भी चीजें खरीदनी है पैक शैक करने के लिए। उधर बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट, इतनी रिक्वेस्ट आई है मुझे कि वहाँ से खाना लेते आना यार, खाना पैक करवा के लेते हैं, जिजाब लगा लो। फिर कराची का खाना इज वेरी वेरी गुड, और सब इट इज गुड फॉर अ रीजन। वो जेंडर्स आ चुके हैं, गाड़ी हमने पहले पहले भाई को दे दी है, और हमारा जो दूसरा फोन है ना वो फात को आ गया था, उस पर शिफ्ट कर लिया। साहब भाई कह रहे हैं इनका बाबर पास था, बड़े मजे गए। अली भाई कह रहे हैं उसके अंदर से बाबर निकलेगा, वो वजह अलग शुगर लगा हुआ है। खैर एनीवेज मंगवाते हैं बाबर पास्ता, एक मंगवा लेते हैं। सो बॉयज खाना हमारा आ चुका है, दिस इज बाबर पास्ता, दिस इज मोरक्कन चिकन, और एक पिज्जा भी आ रहा है जो कि हमने हाफ एंड हाफ खाया है, वो भी आता है तो भी आपको दिखाते हैं। इसकी बड़ी तारीफ सुनी है इस भाई के मुँह से, ये खा के आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। सो बॉयज अपडेट, ये खाना जो हमने खा लिया है बाबर पास्ता, सो कॉल्ड जो था ना, वो बाबर कोई पसंद होगा हमें तो नहीं रे मजा के ही मैं मिल गया सफा के ही मैं, छू कर आया मंजिलें तो तन्हा था मैं वापसी में। बाबर आजम की फोटो लगा दी। नहीं नहीं बाबर आजम वो वाला नहीं है यार, ये बाबर हमने पूछा है उनसे, इनका कोई कस्टमर था, उसकी रेसिपी थी, इसीलिए उस रेसिपी को इन्होंने ऐड कर दिया अपने मेन्यू में। भाई अब इतनी देर बाद घर जा रहे हैं तो कुछ शॉपिंग तो बनती है। वो वाली नहीं जो कराची में होती है शॉपिंग, वो वाली नहीं।
भाई ये तो जरूरी है ना फिर। सो गाइस अपडेट ये है कि हम लोग गेस्ट हाउस वापस आ चुके थे और थकावट इस कदर शदीद हो रही है यार, अजीब पता नहीं कुछ किया भी नहीं है और थकावट हो रही है, क्योंकि जब सिर्फ खाते रहेंगे ना तो फिर नींद ही आएगी, सुस्ती होगी। और कराची ने जितनी मोहब्बत दी है, जितना इसने कराची ने खिलाया है ना, यकीन मानो भाई का जो पेड़ निकला है ना, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसकी शेडिंग बनानी पड़ेगी, लाहौर जाके इसकी शेडिंग बनाएंगे। अभी जो है ना आपके भाई ने बहुत सारा काम करना है, उसमें है पैकिंग, ठीक है। हाँ उसके अलावा मजे की बात आपको बताता चाहूँ, एज यू गाइज कैन सी ये शहीद भाई बड़े प्यारे दोस्त है हमारे, उन्होंने हमें ये ला के दिया है जाहिद निहारी के, ये कंटेनर्स मिल जाते हैं 10 पैक्ड, दो निहारी के हैं और एक हलीम के हैं। अब हमें जिस भाई ने कहा था ना कि हमारे लिए आपने खाना लेके आना है कराची से, उन सबको हम इनवाइट करेंगे, एक जगह बिठाएंगे और सबको खिला देंगे। आपके लिए भी यही मशवरा है, अगर आपको कोई बहुत सारी फरमाइशें हैं ना, आपने सबको एक जगह इकट्ठे करना है, दावत देनी है और सबको आपने जो है ना खाना खिला देना, क्योंकि फिर इस तरह गिला नहीं रहता किसी के दिल में। भाई जान इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर खत्म। इट वॉज अ फैंटास्टिक डे, माई लास्ट डे इन कराची। सी यू गाइस टुमारो, आई हैव अ फ्लाइट टुमारो। आपका भाई जा रहा है वापस, साथ साथ इधर ही रहेंगे, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा कि क्या सीन है इसका। सी यू गाइस इन नेक्स्ट में, बहुत सारा ख्याल रखना। फिर अगर आप लोग चैनल लग सके, बहुत थकावट है यार, बोलना नहीं यार। अल्लाह हाफिज़ जी, ख्याल रखें, बाय बाय।